जी, आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पहला इजलास हुआ। इस इजलास में जो 1910 में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो राजशेखर साहब जो रिजर्वेशन मेरे राजशेखर साहब और हमारे दौर में हुआ था, बाद में सीएम रोशिया साहब थे 2010 में, जब हमको यहां पे स्टे मिला सुप्रीम कोर्ट में, आज वो स्टे पे 5 जजेस बैठना है, वो आज बैठा है। लेकिन तमाम वकला, चाहे तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हो, आंध्रा की हुकूमत हो और मेरे तरफ से सीनियर एडवोकेट और साबिका यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब भी आज पूरे मौजूद थे, और राजू धवन साहब ने बहस स्टार्ट करके अपील की कि हम तमाम मुत्तफ़िक एडवोकेट्स का यह कहना है, क्योंकि बीइंग ए सीनियर एडवोकेट मैं सबसे कह रहा हूं कि हमें एक हफ्ते का टाइम दीजिए ताकि स्टडी करना है। तो 5 जजेस ने कहा कि भाई मैं एक हफ्ते का टाइम देंगे और मुसलसिल कंटिन्यू सुनेंगे हम, इसके लिए अब भी रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद हमारे वकला के साथ मीटिंग हुई है, बहुत सारा मीटिंग्स हो रहे हैं, मटेरियल हो रहा है कि हम 15 साल में मुसलमानों की गुलबत के लिए एजुकेशन में अब कितने लोग बेनिफिट हुए, सरकारी नौकरियों में कितने बेनिफिट हुए, पॉलिटिकल लेवल पे कितने लोग बेनिफिट हुए, काउंसलर्स कितने बने, सरपंचस कितने बने और मंडल प्रेसिडेंट कितने बने, ये तमाम डाटा पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह आज हैदराबाद लौटकर हम पूरा डाटा तमाम वकीलों को, तेलंगाना के वकील के राजीव धवन साहब भी पूछ रहे हैं हमारे से कि भाई हम मुत्तफ़िक सबका राय एक ही है कि रिजर्वेशन कंटिन्यू होना है, तो आपके सलमान भाई हम सब कह रहे हैं कि हम पूरे वकला मिलकर लड़ रहे हैं, कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है, तेलंगाना के, आंध्रा के और मेरे वकीला, हम लोगों में कोऑर्डिनेशन की है, उसमें मैं सारे लोगों से